देखिए देखिए देखिए, ये हम लोग पहुंच गए हैं योंगथम वैली। और दोस्तों ये देख रहे हैं स्नोफॉल हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज सुबह सुबह उठा तो यहाँ पर सिलाचिन शहर का नज़ारा और ये पहाड़ों का नज़ारा देखते हो तो दिल खुश हो गया। तो दोस्तों आज का जर्नी है, हम लोग का डे टू है लाचुंग में। कल हम लोग ने कटाव को विजिट किया था और उसके बाद आज जो है जाएंगे हम लोग योंगथम वैली। योंगथम वैली अगर 0 पॉइंट का अगर परमिट मैंने परमिशन मिल जाता तो 0 पॉइंट भी जाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो अभी फाइनली हम लोग चलेंगे ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके अपने गाड़ी से बाइक से निकलेंगे योंगथम वैली की तरफ। तो कीप वॉचिंग योंगथम वैली नेक्स्ट। ये हम लोग का नाश्ता आ गया है, सुबह का ब्रेकफास्ट मैगी है और एक जन ब्रेड बटर खाएगा, तो ब्रेड बटर। हेलो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं अभी जाने के लिए योंगथम वैली और अपना गाड़ी भी रेडी हो गया है और बारिश भी हल्का हल्का गिर रहा है। सुबह से सोच रहा था धीरे धीरे वेदर क्लियर हो रहा है, कभी बारिश हो जा रहा है। तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी निकलते हैं, तब हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाना है, चलेंगे योंगथम वैली जो है 11,700 फीट पे है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ का नज़ारे का मज़ा लेते हैं। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और हम लोग रिमझिम रिमझिम हल्कल के बारिश में निकल गए हैं योंगथम वैली को देखने के लिए। तो चलते हैं योंगथम वैली और ये जो रास्ता है लाचुंग शहर का काफ़ी खूबसूरत जो आप देख ही रहे हैं वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार। इस रास्ते में राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि आप रास्ते पे चलिएगा और चारों तरफ पहाड़ देखिएगा, पहाड़ों पे बादल, आपका माइंड जो है मस्त फ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पर जो अभी एक चेक पोस्ट पड़ा था जो जहाँ पर हम लोग परमिट बनाए थे उसको दिखाएँ और फिर आगे बढ़ गए, तो वहाँ पर आर्मी एरिया होने के कारण वीडियो नहीं बना पाए। तो आगे मैं आपको लेके चलते हैं योंगथम वैली, देखते रहिए। ये देखिए वैली है काफ़ी खूबसूरत और आगे जाना है। स्नोफॉल देख रहे हैं, स्नोफॉल। और दोस्तों यहाँ पर आए हैं, अभी हल्का हल्का स्नोफॉल चालू हो गया है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, तो हम लोग का भी किस्मत लगभग लगभग जागने वाला है लगता है ऊपर जाके, है ना। राइड करते हुए इन वैली को देखते हुए अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं राइड करते करते जमशेदपुर से यहाँ सिक्किम आ गया हूँ और ये योंगथम वैली में ऐसे गजब के नज़ारे, तो अनबिलीवेबल जो है। मैंने क्या बोलता, अपने मन पे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, वो भी अपने बाइक पे राइड करके, बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों आप भी कभी ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त होगा। और ये देख रहे हैं किनारे में जो है ये पौधे, इसमें मई से जून में इनमें फ्लावर खिलते हैं पूरा रेड और पर्पल कलर का। तो कभी मई जून में आइएगा तो आपको स्नो तो कम मिलेगा लेकिन पूरा फ्लावर से ये घाटी भरे रहता है, तो इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हर मौसम का हर एक अलग अलग रूप होता है, तो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। स्नोफॉल मिल गया, वो भी काफी अच्छा है। देखिए 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 देखिए, तो इस स्नोफॉल को देखने के लिए और यहाँ योंगथम वैली को आने के लिए हम लोग कई महीने से तैयारी कर रहा था। इसके लिए मैंने गाड़ी परचेस किया नया और फिर बहुत सारे गैजेट्स वगैरह लिए और ये किए, और जब आके यहाँ स्नोफॉल देख रहे हैं तो सब पैसा वसूल हो गया, मेहनत रंग लाया, है ना। तो इस तरह से बने रहिए वीडियो में और खूब सारे इंजॉय, हम लोग भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। आप देखिए स्नोफॉल कैसे गिर रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं, हाँ झारखंड, हम बिहार से छपरा से, है ना, हम लोग भी झारखंड से, गाड़ी है वो चला रहे हम। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। Thank you.
और दोस्तों यहाँ से योंगथम वैली का डिस्टेंस लगभग लगभग 2 किलोमीटर का रह गया है। और जैसे जैसे हम लोग योंगथम वैली की ओर जा रहे हैं, यहाँ का सीनिक व्यू बहुत ही खूबसूरत हो जा रहा है। देख रहे हैं जो पेड़ है, पेड़ के पत्तों पर पूरा बर्फ जो है धीरे धीरे ढकते जा रहे हैं, पड़े हुए हैं, स्नो इतना हुआ है यहाँ पर। और रास्ते में भी देख रहे स्नो है काफ़ी ज़बरदस्त। और हमारे दोस्त देख रहे हैं पूरा स्टंट दिखाते हुए, ये देखिए है ना। और स्नो देख रहे कितना ज़बरदस्त हो रहा, बहुत ही काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोगों को। और हम आशा करते हैं कि आप भी आए और नेक्स्ट टाइम आप भी इस टूर का प्लान बनाइए और खूब सारा इन्जॉय कीजिए। और देखिए पेड़ सब कैसे स्नो कवर है, देख रहे ना क्या ही खूबसूरत, ज़बरदस्त। देख रहे इस साइड भी रास्ते के और इस साइड भी, और ये देखिए टूरिस्ट सब है बहुत सारे, सब इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखिए वाह, पेड़ सब देखे पूरे स्नो से कवर्ड होते जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। हम लोग पहुंच गया है योंगथम वैली, जो आप देख रहे हैं आगे आगे में योंगथम वैली का मार्केट है और आगे घूमने का है और आगे में है 0 पॉइंट। तो चलिए आगे चलते हैं, योंगथम वैली का मार्केट को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, योंगथम वैली को दिखाएंगे आपको। और ये देखिए यहाँ पर आपको वूलन कपड़ा, चाय, कॉफ़ी, ये सब कलर देख रहे हैं जैकेट का काफ़ी खूबसूरत मिल रहा है। हाँ हाँ, ये सब मिल जाएगा, हैंड ग्लव और ये वुलन के जितना है सब मिल जाए। नहीं नहीं बूट नहीं चाहिए, ये सब मिल जाएगा यहाँ का दुकान। ये सब कभी वीडियो में देखता था तो सोचता कब जाऊँगा यहाँ पर, लेकिन आज जब हकीकत में हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और प्रेम आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बर्फ़ का मज़ा पूरा ले रहे हैं ना, बहुत मज़ा आ रहा है। और आप मैडम? हम तो पूरा ही मजा ले रहे हैं। और दया? एकदम मजा ना। हाँ चलो चलो, घर के घर में टांगने के लिए अच्छे अच्छे सामान सब है यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े। यहाँ पर मोमोस बन रहे हैं, चाय, इधर ये पकोड़ा और ये चाय। ये पकोड़ा का रेट है 100 रुपये और इसमें और 2-4 पीस रहता है। और चाय खाते हैं, भूख लगा हुआ बहुत। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं अभी योंगथम वैली, जो देख रहे हैं यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। और कहते हैं ना कि आदमी को जुनून होना चाहिए, तो भैया को देखिए जुनून देखिए। तो भैया कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। कहाँ से है भैया? नागपुर से। नागपुर से, देखिए आदमी को बोलता है ना जुनून होना चाहिए, बस जुनून ही आदमी को आगे बढ़ा देता है हर चीज में। तो थैंक यू भैया। तो देखे दोस्त, आदमी का मन से जोश होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, है ना। और यहाँ देखिए आगे में सब इंजॉय कर रहे हैं, आगे में पूरा स्नो खिला हुआ पड़ा हुआ है और यहाँ से स्नो फॉल भी हो रहा है। देख रहे पूरे पहाड़ से इधर से स्नो आ रहा है धीरे धीरे, पूरा काफ़ी खूबसूरत। देखिए स्नो और इस पर हम लोग, देखिए गिर गया गिर गई गिर गई, हाँ फिसल गई, हाँ देखिए। अरे देखिए पूरा स्नो, पूरा स्नो, ये देखिए भी गिरने वाला था। ये बाप, अरे वाह वाह, अब पूरा वैली का देखिए।
और दोस्तों इसी में आगे में एक रिवर है जो बहुत ही साफ पानी है बह रहा है, तो चलिए उसको भी आपको दिखा देते हैं। और ये प्रेयर ट्रक सब लगा हुआ है पूरे चारों तरफ, और इधर स्नो माउंटेन है और अभी स्नोफॉल रुक गया है। इसका पानी का क्लियरिटी देखिए, पानी में तो हमको लगता ठंडा इतना होगा ना, करंट दौड़ता होगा बस के। तो आगे चलते हैं नीचे में और उसके बाद दिखाएंगे आपको। वाह पानी देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है, और छू के एक बार देखता हूँ कैसे लग रहा है, बहुत ही ठंडा अपने। और नदी के उस पार भी है जो बर्फ से ढका हुआ है चारों तरफ, देख रहे हैं। और दोस्तों ये देख रहे हैं स्नोफॉल हो रहा है ना, देख रहे हैं मस्त। यांगथम वैली में बहुत सारे मजे करने के बाद हम लोग निकल गए हैं अगला डेस्टिनेशन जो है जीरो पॉइंट। तो जीरो पॉइंट तक जाते हैं और दिखाते हैं वहाँ का व्यू। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी खूबसूरत, इधर भी पूरा एकदम जो है फील्ड में बर्फ़ लदे हुए हैं, और रास्ता में इधर तो बर्फ़ धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है और पेड़ सब में भी। और यहाँ ठंडा काफ़ी ज़बरदस्त है, हाथ सब तो इतना कसके मैंने जल रहा है ठंडे के कारण, ग्लव्स पहने हैं लेकिन उससे भी पता नहीं चल रहा है कि ग्लव्स पहने हैं, ठंडा काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसे जैसे हम लोग मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं ऊपर का टेम्परेचर धीरे धीरे और डाउन होते जा रहा है, अब तो बड़ी कसके ठंड भी लग रही है हाथ में और पैर में भाई साहब, और हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, और जिसके कारण हम लोग अपने हेलमेट का जो वाइज़र को उसको डाल भी नहीं पा रहे हैं, अंदर फॉग जम जा रहा है और खोलने पे बर्फ़ से मुंह पे लग रहा है, लाल हो जा रहा है। और रास्ता सब देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देखिए पर रास्ता काफ़ी ख़राब है कहीं, लेकिन रास्ता लगभग सब ठीक है। और ये देखिए एक पुल है, पुल पार करते हुए, और स्नोफॉल भी हो रहा है धीरे धीरे धीरे, देख रहे हैं ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं स्नोफॉल भी बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों मेरे वीडियो के माध्यम से एक जानकारी भी देना चाहता हूँ कि आपको रास्ते में बहुत सारे जगह मिलेंगे जहाँ पर बोलेंगे कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना अनिवार्य है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो अपने सेल करने के लिए बोल देते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाओ और फिर बाद में रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न करने जाओगे तो वो रिटर्न नहीं होगा, ये हम लोग के साथ भी हुआ था। तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ऑक्सीजन लेवल इतना कम नहीं होता है, अगर आप गुरुदोंबा जाएँ तब ज़रूर लेके जाएँ उसको कैरी करें, वहाँ अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर उतना ज़रूरत नहीं होता क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों और जीरो पॉइंट आगे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल के कारण बंद कर दिया गया है, तो फिर क्या हुआ कि आगे जाने नहीं दिया जा रहा था, यहाँ से परमिट आगे का नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर हैवी स्नोफॉल हो रहा है, देख रहे हैं जैसे देख रहे हैं कैसे स्नोफॉल हो रहा है। हाँ तो फिर यहीं से हम लोग रिटर्न लेंगे और आप लोग वीडियो के माध्यम से स्नोफॉल का मजा लीजिए, देखिए काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है। मजा आ रहा है खूब, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इतना दूर राइड करके आने का सारा पैसा वसूल है, वसूल हो गया। देख रहे सर में कैसे स्नोफॉल है, देख रहे अभी इधर पूरा जैकेट में स्नो स्नो, हाथ में देखो ये डगे डगे पूरा स्नो से भर गया। और स्नोफॉल देखिए, और मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा। देखिए स्नोफॉल। और मेरे प्यारे दोस्तों
वीडियो अगर पसंद आया है तो आप जानते ही आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप तक इंस्टेंटली मिल जाए। और बने रहिए मेरे वीडियो में और इन्जॉय लेते रहिए, ऐसे ऐसे जगह में जाऊँगा आपको खूब सारा इन्जॉय कराऊँगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग यस राइडिंग ब्लॉग्स।